मालदीव की चीन के साथ करीबी बढ़ती जा रही है। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो उनके देश को ले डूबेगा। पूरी दुनिया को दिख रहा है कि मालदीव कर्ज के जाल में फंसने लगा है। अब इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भी चेतावनी दी है। IMF ने कहा है कि मालदीव का कर्ज हाई रिस्क वाला है। मालदीव में राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू के सत्ता में आने के बाद से ही देश चीन के करीब होने लगा है। चीन से मालदीव ने भारी भरकम उधार लिया है। पूरी दुनिया देख सकती है कि चीन के साथ दोस्ती मालदीव का वही हाल करेगी जो कुछ दिनों पहले श्रीलंका का हुआ था। देश की अर्थव्यवस्था की समीक्षा के बाद IMF ने कहा कि तत्काल पॉलिसी एडजस्टमेंट की जरूरत है। हालांकि IMF ने मालदीव के विदेशी कर्ज की डिटेल नहीं दी। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने कहा, महत्वपूर्ण नीतिगत बदलावों के बिना कुल राजकोषीय घाटा और सार्वजनिक ऋण ऊंचा रहने का अनुमान है। ये चेतावनी तब आई है जब राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू के सत्ता संभालने के बाद चीन ने मालदीव को और ज्यादा कर्ज देने का वादा किया है। मोइज्जू ने पिछले महीने चीन की यात्रा की थी। यात्रा के बाद उन्होंने विकास निधि के लिए निस्वार्थ सहायता देने पर चीन को धन्यवाद दिया। IMF ने कहा कि मालदीव में बाहरी और कुल ऋण का संकट उच्च जोखिम पर बना है। मालदीव अपनी सफेद रेत वाले समुद्र तटों के लिए मशहूर है। पर्यटन यहाँ की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। COVID-19 महामारी के बाद आर्थिक नुकसान से फिलहाल मालदीव बाहर आ गया है, लेकिन उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। पर्यटन को देखते हुए मालदीव नए होटल और हवाई अड्डों का विकास करना चाहता है। IMF ने कहा है कि भविष्य अनिश्चित है और आर्थिक जोखिम लगातार बढ़ा है। राष्ट्रपति मोइज्जू के गुरु पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन 2018 तक मालदीव की सत्ता में रहे। इस दौरान उन्होंने निर्माण प्रोजेक्ट के लिए चीन से भारी भरकम कर्ज लिया। वर्ल्ड बैंक ने मालदीव के वित्त मंत्रालय का हवाला देते हुए कहा कि 2021 के इसके कुल कर्ज का 42% ऋण चीन का था। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।